सीएम योगी का बाराबंकी दौरा रद्द, जैतपुर और नवाबगंज में होना था कार्यक्रम, सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने दी जानकारी। पीलीभीत पहुंचे सपा पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष, राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर साधा निशाना, मंत्रियों पर लगाया दुराचार का आरोप। अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा, सही किसानों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ, आयकरदाता योजना को भी दिया जा रहा लाभ। फतेहपुर में मकान गिरने से 2 साल के बच्चे की मौत, पति पत्नी की हालत गंभीर, इलाज जारी, बारिश के चलते गिरी घर की दीवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी का दौरा था, जोरदार बारिश के चलते लेकिन रद्द हो गया। सीएम योगी आज बाराबंकी की जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के हरक और बाराबंकी की सदर विधानसभा का दौरा करने वाले थे। सीएम यहां करोड़ों की लागत की विकास परियोजनाओं पर लोकार्पण और शिलान्यास की आधारशिला रखने वाले थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तैयारियां पूरी थी लेकिन बारिश की वजह से सब कुछ खराब हो गया और दौरा रद्द हो गया। सीएम योगी का यह दौरा अब कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, ये जानकारी जिले के सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने दी है। तो बाराबंकी में आज कार्यक्रम था सीएम योगी आदित्यनाथ का, लेकिन सुबह से ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो खाली मैदान है उनमें जलभराव की स्थिति हो गई है। यहां पर भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी, करोड़ों की लागत से बनने वाली योजनाओं का यहां पर लोकार्पण शिलान्यास किया जाना था, लेकिन योगी आदित्यनाथ का यह दौरा रद्द कर दिया गया है। कुछ दिनों बाद फिर योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी आगमन होगा। तो 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम था और लाभार्थी पर कार्यक्रम भी यहां पर रखा गया था। रात के 11 बजे से बहुत मूसलाधार बारिश हुई है और उसका परिणाम है कि जहां पर हेलीपैड बना था वहां पर भी पानी भर गया था और पूरे जिले में सभी रोडों पर तमाम सारे पेड़ भी गिर गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना भी मुश्किल था और पानी अभी भी गिर रहा है। इसलिए हम सब लोगों के निवेदन पर और प्रशासन की रिपोर्ट पर महाराज जी ने कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा कर दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जल्दी ही आएंगे, आप लोग निराश ना हुए, जल्दी ही हम फिर बाराबंकी आएंगे। कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा हो गई होगी? कार्यकर्ता बहुत उत्साहित था और हर कार्यकर्ता अपने अपने घरों में तैयार होकर के बैठा है, गाड़ियाँ उनके दरवाजे पर लगी हुई हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि यहाँ से सूचना मिले कि कार्यक्रम होना है, आएँ, क्योंकि रात में 11 बजे से ही बारिश हो रही थी इसलिए सब इंतजार में थे। फिर भी कार्यकर्ताओं को ये सूचना दे दी गई है कि 10-12 दिन में ही अगला कोई कार्यक्रम फिर तय होगा और उनको बुलाया जाएगा। सपा सामाजिक सम्मेलन यात्रा को संबोधित करने पीलीभीत पहुंचे सपा पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने मंच से सीएम योगी की अब्बा जान के बयान पर निशाना साधा है, साथ ही बीजेपी सरकार के मंत्रियों पर दुराचार करने का भी आरोप लगाया है। इस तरह की बयानबाजी लगातार इन दिनों देखने के लिए मिल रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, समय बेहद कम है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, वहीं अपनी सरकार के समय हुए कामों का गुणगान और बखान जनता तक पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है, चाहे वो सपा हो या बीजेपी या बसपा या फिर कांग्रेस। तो ऐसे में पीलीभीत में सपा द्वारा एक विशेष सम्मेलन रखा गया था और इस सम्मेलन के दौरान राजपाल कश्यप योगी सरकार पर बरसते हुए नजर आए, साथ ही साथ उनके अब्बा जान वाले बयान पर भी उन्होंने जमकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की बात सदैव रखती रही है और पिछड़े वर्ग के लोगों ने जिस तरीके से बीजेपी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, पिछड़े और दलित अल्पसंख्यकों के साथ में जिस तरीके का अन्याय अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और समाजवादी पार्टी निकली है, जिस तरीके का पिछड़ों का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ रहा है, क्योंकि आज सभी वर्ग परेशान हैं और पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है बीजेपी में और उनके आरक्षण को घोटाला किया जा रहा है।
बलरामपुर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायकों और जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रधान संगठन जिला अध्यक्ष विजय प्रताप शुक्ल और सदर ब्लॉक अध्यक्ष तहसीलदार तिवारी और प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से हरिहरगंज ललिया संपर्क मार्ग पर स्थित कोडरी घाट पुल पर पक्का सीढ़ी युक्त घाट का निर्माण करवाए जाने के संबंध में जिला अधिकारी बलरामपुर को एक ज्ञापन सौंपा है। तो बलरामपुर से खबर सामने आई है जहां पर अखिल भारतीय संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है। दरअसल घाट का निर्माण करवाने के संबंध में यह ज्ञापन दिया गया। अंबेडकर नगर में किसानों को दी जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। पीएम की तरफ किसानों को दी जाने वाली किसान सम्मान निधि में जमकर बंदरबांट किया जा रहा है। कृषि विभाग की मिलीभगत से आयकर दाताओं को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसकी वजह से पीएम की महत्वपूर्ण योजना का लाभ सही किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा। तो अंबेडकर नगर से ये सनसनी भरा मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर भ्रष्टाचार का एक और जो पन्ना है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आयकर दाता योजना को भी लाभ दिया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो आयकर दाता हैं उनका लाभ भी लगातार लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भले ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की कवायदें योगी सरकार कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश के कई इलाकों में भ्रष्टाचार की जो खबरें हैं वो कम होने का नाम नहीं लेती। तमाम जो योजनाएं हैं उसमें भी फर्जीवाड़ा लगातार देखने के लिए मिल रहा है। तो अम्बेडकर नगर से ये पूरा मामला सामने आया जहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने के लिए मिल रहा है। पीएम की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सही किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं और किसान लगातार सरकार पर हमलावर भी रहते हैं। तो अम्बेडकर नगर में किसानों को दी जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया जहां पर बंदरबांट जमकर किया जा रहा है। कृषि विभाग के मिलीभगत से आयकरदाताओं को भी प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। मैनपुरी में जवाहर नवोदया विद्यालय की छात्रा अनुष्का पांडे की फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा है कि मैनपुरी में तैनात तत्कालीन एसपी को हटाएं या जबरन सेवानिवृत्त करें। हाईकोर्ट ने मृत नाबालिग छात्रा के पंचनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी और पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए डीजीपी को पूरी तैयारी के साथ अदालत में आने का निर्देश दिया। महेंद्र प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MN भंडारी और न्यायमूर्ति AK ओझा की खंडपीठ ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने से लगता है कि नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है। गले में फांसी के निशान संदेह पैदा कर रहे हैं। अदालत ने DGP मुकुल गोयल से कहा है कि आप मामले में कार्रवाई करें, नहीं तो हमें कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मामले के तथ्यों के अनुसार मैनपुरी के भोगांव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में नाबालिग छात्रा ने 16 सितंबर 2019 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके कपड़ों और शरीर पर ह्यूमन स्पम्प पाए गए थे, इसी की वजह से ये मामला अभी भी पेचीदा है। तो मैनपुरी का ये पूरा मामला है जहाँ पर अनुष्का पांडे केस में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। काफी पुराना मामला है, इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई भी हो रही है, लगातार जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि छात्रा ने खुदकुशी की थी या फिर उसको खुदकुशी के लिए उकसाया गया था या फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। दरअसल मैनपुरी में जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा अनुष्का पांडे की फांसी लगाकर खुदकुशी करने के मामले में हाईकोर्ट ने यूपी के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को जमकर फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DGP से कहा है कि मैनपुरी में तैनात तत्कालीन SP को हटाएं या जबरन सेवानिवृत्त करें। हाईकोर्ट ने मृतक नाबालिग छात्रा के पंचनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी और पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए DGP को पूरी तैयारी के साथ अदालत में आने का निर्देश दिया है।
तो महेंद्र प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी न्यायमूर्ति एके ओझा की खंडपीठ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने से लगता है कि नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है। गले में जो निशान पाए गए थे वो भी संदेह पैदा कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का दम भरने वाली लखनऊ पुलिस का असली चेहरा एक बार फिर लोगों के सामने आया है, जहां एसएचओ विभूति खंड चंद्रशेखर सिंह की दबंगई सामने आई। बता दें कि शिकायत करने गई महिला उसके भाई के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इतना ही नहीं, महिला और उसके भाई को रात भर विभूति खंड थाने में प्रताड़ित किया गया और पुलिस द्वारा फोन छीनकर सारे साक्ष्य डिलीट किए गए। प्रताड़ित करने के दौरान महिला और उसके भाई के शरीर पर कई चोट के निशान भी सामने आए हैं। तो लखनऊ का पूरा मामला जहां से एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि यहां पर एक भाई बहन शिकायत लिखाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें प्रताड़ित किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का दम भरा जाता है और ये दम भरने वाली लखनऊ पुलिस का असली चेहरा एक बार फिर लोगों के सामने आ गया, जहाँ एसएचओ विभूतिकरण चंद्रशेखर की दबंगई सामने आई। फोन में से एविडेंसेस डिलीट, इस सारे फोन इन्होंने डिलीट कर दिए, ये सारे आईटी के बैठे, आप मेरा फोन लीजिए, रिसाइकल बिन कराइए, उसके सारे डेटा निकाल दीजिए, इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, दीदी के साथ क्या किया है। फुल टू अपराधी हम, आतंकवादी हैं, क्यों? क्योंकि हमने इनके सिपाही, दाढ़ी रखी है ना तुमने, दाढ़ी दाढ़ी इनके सिपाही के ऊपर, सिपाही ने इनके मुझे मारा तो मैंने इनके थाने में रिपोर्ट लिखाने आया, पूरा थाना मिलकर भैया मारा है। लखीमपुर खीरी में भाजपा नेता रवि गुप्ता बनाए गए सदस्यता अभियान के संयोजक। पलिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए पलिया के प्रमुख व्यापारी नेता और भाजपा नेता रवि गुप्ता को विधानसभा सदस्यता अभियान का संयोजक बनाया है, जिसको लेकर कार्यकर्ता द्वारा उन्हें बधाइयां देने का तांता लगा हुआ है। बीजेपी नेता रवि गुप्ता को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा। दरअसल रवि गुप्ता सदस्यता अभियान के संयोजक चुने गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी बूथ स्तर से लेकर हाई लेवल तक लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है और चुनावों पर मंथन कर रही है। बाराबंकी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं बारिश से एक घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ताजा मामला असंद्रा थाना क्षेत्र के बयाजगुरपुर गांव का है, जहां लगातार हो रही बारिश से घर की कच्ची दीवार गिर गई। मलबे में दबकर सो रहे पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि घर में अकेले कमाने वाला व्यक्ति था मृतक। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और ये बारिश कईयों को मौत की नींद सुला चुकी है। बाराबंकी से ताजा मामला सामने आया, जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से घर की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में पिता और बेटे की जान चली गई, जिसकी वजह से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी बारिश की वजह से जो गरीबों के आशियाने हैं वो उजड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फतेहपुर में कच्चा मकान गिरने से 2 साल के मासूम की मौत हो गई। ताजा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मरहरा गांव का है, जहां 2 दिन से हो रही बारिश से कच्चा मकान गिर गया, जिसमें 2 साल के बच्चे की जान चली गई। तो वहीं पति पत्नी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जितने भी जिले हैं जहाँ पर भारी बारिश का कहर देखने के लिए मिल रहा है, वहां पर लोगों की जान जा रही है। भारी बारिश की वजह से गरीबों के कच्चे मकान ढह रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मौत की नींद सो रहे हैं। मासूम की जान चली गई और इसके अलावा जो पति पत्नी हैं उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। फतेहपुर की तस्वीरें, जहां पर मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया, 2 साल के बच्चे की जान चली गई, वहीं पति पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। महोबा में जुआरियों को नहीं है पुलिस का कोई खौफ। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बीजनगर गांव का है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में सरेआम जुआ खेला जा रहा है और खुलेआम हार जीत की बाजी लगाई जा रही है। पुलिस ने बेखौफ जुआरियों का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है।
तो महोबा का ही पूरा मामला है, जहां पर बेखौफ जुआरियों का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सरेआम जुए का खेल चल रहा है और साथ ही साथ सट्टा भी लगाया जा रहा है। बस्ती में गांव के रास्ते पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया, जहां गांव के दबंगों ने गांव के रास्ते पर ही कब्जा कर लिया। पूरा मामला बस्ती जिले की हरैया थाना क्षेत्र के गांव पनीरवा का है, जहां मामला उस समय गर्मा गया जब ग्रामीणों ने गांव के दबंगों पर पूर्व प्रधान के इशारे पर रास्ते की जमीन पर कब्जा करने और ग्रामीणों का रास्ता बंद करने का आरोप लगाया। वहीं जब ग्रामीणों ने दबंगों से रास्ता खोलने को कहा तो दोनों पक्षों में जमकर मारपिटाई हो गई, और मारपिटाई होने के बाद जब दोनों पक्ष थाने में गए तो थाने पर पूर्व प्रधान के दबाव में एक पक्ष का मुकदमा लिख लिया गया, जबकि दूसरे पक्ष का मुकदमा नहीं लिखा गया। मामले में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गाँव के दबंग और पूर्व प्रधान के दबाव में थाना हरैया में उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण में स्थानीय पुलिस के खिलाफ काफी ज्यादा रोष देखने के लिए मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो वो जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं जब इस संबंध में थाना अध्यक्ष हरैया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से FIR दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए नई नई योजनाएं बना रहे हैं, पर शायद उनके प्रयासों का कानपुर के एक दारोगा जी ने कुछ और ही मतलब समझ लिया। जहां एक घरेलू मामले की विवेचना कर रहे दारोगा जी ने हाईटेक तरीके से RTGS के माध्यम से सीधे अपने खाते में रिश्वत लेकर दो आरोपियों के नाम निकाल दिए। यह अनोखा कारनामा करने वाले दारोगा जी की पहचान पनकी थाने में तैनात दारोगा छोटे सिंह के रूप में हुई है। बता दें कि पनकी निवासी सविता मिश्रा ने दारोगा छोटे सिंह पर आरोप लगाया है कि दारोगा छोटे सिंह ने RTGS और NFT के जरिए रिश्वत लेकर उनके द्वारा ससुराल पक्ष पर लिखाए गए मुकदमे से दो नाम निकाल दिए हैं। बता दें कि सविता मिश्रा का उनके पति और ससुराल जनों से विवाद चल रहा है, जिसके चलते सविता ने अपने पति और ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कराया था, पर दारोगा छोटे सिंह ने हाईटेक तरीके से रिश्वत लेकर मुकदमे से दो आरोपियों के नाम हटा दिए। वहीं मामले में DCP वेस्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ASP को जाँच के आदेश दे दिए हैं। DCP का कहना है कि जाँच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी दारोगा पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरे पति से मेरा बहुत दिन से झगड़ा चल रहा है, मेरे बच्चियों को पढ़ा नहीं रहे हैं। मेरी बड़ी बच्ची इतना मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके उन्होंने इतना अच्छा परसेंटेज लाई थी, और मेरे पति को बस यही कहना है कि इनको पढ़ाओ लिखाओ ना, घर बैठो, घर में जाओ, खेत काटो, ये सब कहना है, और पढ़ा नहीं रहे हैं। मैं अपने बच्चियों की पढ़ाई के लिए बहुत दिन से परेशान हूँ, मेरे बच्चियों को इनके पिता जो हैं अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अच्छे से इनका बढ़िया पढ़ाएं लिखाएं, शादी ब्याह अच्छे से करें। मैं यही सबसे बहुत क्या हुआ उसमें फिर पुलिस में अभी क्या हुआ और क्या इसके बाद पुलिस में FIR हुआ था सर, पर उन्होंने छोटे सिंह साहब जो इंचार्ज थे उन्होंने पैसा लेके सारा केस को रफा दफा कर दिया है और बोला कि कुछ नहीं होगा, आप बढ़िया रहो, मैं कर दिया हूँ काम तमाम। देखिए, हमें अनेक माध्यम से, आपके माध्यम से भी शिकायत आ रहा है कि हमारे एक दरोगा विवेचक जो है घरेलू हिंसा के एक केस में उन्होंने विपक्षी से घूस के पैसे अपने डिजिटल अकाउंट में डालवाया है। इसका कार्रवाई हो रहा है, संबंधित ACP को हमने कार्रवाई करने के लिए और एक रिपोर्ट देने के लिए तुरंत देने के लिए बुलाया। आज शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी और उसी के रिपोर्ट के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। यूपी के पूर्व DGP और राज्यसभा सांसद IPS बृजलाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि सपा का चुनाव चिन्ह LMG गन होना चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको वो भी सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है कि BJP का चुनाव चिन्ह बुलडोजर होना चाहिए। बुलडोजर माफियाओं पर चलता है, अपराधियों पर चलता है जिन्होंने अपराध से अकूत संपत्ति खड़ा की है, और जोगी राज में बुलडोजर चलता रहेगा। हाँ, अखिलेश यादव जी का चुनाव चिन्ह लाइट मशीन गन होना चाहिए, LMG, क्योंकि LMG का सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।